हेलो फ्रेंड्स, डेली एस्ट्रो टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न के 11th हाउस के ऊपर गुड, बैड और रेमेडीज की। तो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं हम गुड से। तो दोस्तों, ऐसे जातक की शिक्षा चाहे पूरी ना हुई हो, डिग्री चाहे इन होल्डर ना हो, बट इसकी एजुकेशन के ऑलमोस्ट हर क्षेत्र पे काफी अच्छी पकड़ होगी। फाइनेंशियल गेन होगा, लिक्विड कैश होगा, कोई कमी नहीं होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, पिता से भी सुख मिलेगा ऐसे जातक को। और अगर सैटर्न के साथ मून और शुक्र साथ बैठे हैं तो दोस्तों, ऐसे जातक को कोई नहीं रोक सकता हर तरह का सुख प्राप्त करने से। तो इसके पास ऑलमोस्ट हर तरह का सुख होगा, अच्छी लाइफ होगी, अच्छा स्टेटस होगा और लिक्विड कैश होगा और प्रॉपर्टीज, मकान, नौकर, इन सब का सुख होगा ऐसे जातक को। तो दोस्तों, ये कुछ गुड एस्पेक्ट हैं। बैड एस्पेक्ट की बात कर लेता हूँ तो दोस्तों, एजुकेशन अधूरी रह सकती है और एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, लोन के कारण ऐसे जातक का धन वेस्ट होता रहेगा और थर्ड, अगर मैं बात करूं तो संतान से पीड़ित या संतान ऐसे जातक की नष्ट हो सकती है, कष्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ कुल मिला के अप एंड डाउन्स हैं सैटर्न के 11th हाउस के ऊपर। रेमेडीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक तो लीकर से ऐसा जातक परहेज कर ले, दूर रहे, वरना ये घातक सिद्ध होगी जातक के लिए। दूसरा, अगर कोई भी शुभ कार्य करने जा रहा है तो जाने से पहले ऐसा जातक एक छोटा मटका, हम जिसे कहते हैं पानी का, भर के वो घर में रख ले। और थर्ड, पानी की तरह बहने वाली वस्तुएं जैसे कि ऑयल हो गया या वाइन होगी, लीकर होगी, कुछ भी, इनकी दो चार ड्रॉप्स, इन ये वंस इन ए लाइफ टाइम करना है। ये जो पानी की तरह सिमिलर हैं, जो बहती हैं, चाहे इनकी तीन चार ड्रॉप्स लेके 43 डेज तक कंटिन्यू जमीन पे डालता रहे। बस मत तीन चार बूंद ली और मिट्टी पे डाल दी, कभी ऑयल कभी लीकर, कुछ भी ऐसा पानी की तरह बहने वाला, बट पानी नहीं यूज करना। तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम कर ले जाता है। तो शनिदेव अवश्य ही ऐसे जातक का कल्याण करेंगे। तो दोस्तों, यहीं पे मैं सैटर्न के 11th हाउस की वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सैटर्न के 12th हाउस पे लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।